अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? आज आप लोगों को कैरामल टॉफी सिखाऊंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले कैरामल बनाना है। हाफ कप शुगर है, हाफ कप शुगर को लो हीट पे मैंने कैरामल करना है, मतलब कि उसको गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है इसको आपने, वरना फिर क्या होगा, आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर आपकी जो है वो टॉफ़ी जो है वो कड़वी हो जाएगी। जितनी देर में हमारी शुगर कैरामलाइज हो रही है, मैं आपको ये मैट दिखाना चाह रही थी। ये सिलिकॉन मैट है, फॉन्डेंट मैट बेसिकली इसको कहते हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी इसके लिए चाहिए होगा, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो फिर हम इसको इसमें रोल करेंगे। तो आई होप यू हैव दिस, या फिर आपके पास कोई भी सिलिकॉन का सिल पैट होता है, अगर वो है तो उस पर भी फिर आपका ये इजी रह जाएगा। ये देखिए, हमारा शुगर कैरामलाइज होना स्टार्ट हो रही है, अभी होगी और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने कैरामलाइज करना है, जल्दी नहीं करनी। ये देखिए, अब ये साइड पे से ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप शुगर आपकी कैरामलाइज होना स्टार्ट हो, तो उसी देर में आप बाकी चीज़ों की बिल्कुल रेडी होनी चाहिए आपकी। हाफ कप मेरे पास क्रीम है, ये क्रीम व्हिपिंग क्रीम नहीं डालनी, कुकिंग क्रीम डालनी है मैंने ये मिल्क पैक के लिए। जो आपको डेयरी पे भी मिलती है क्रीम, वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, आप हमने इसको बड़े केयरफुली मॉनिटर करना है, छोड़ना नहीं है। अब शुगर वर्क जब भी करें तो बड़े एहतियात से करें, क्योंकि इट्स रियली डेंजरस और बहुत गर्म होता है। अब ये देखिए, जैसे ही लाइट गोल्डन हो गया ये, अब इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ आधा कप। ठीक है, आधा कप क्रीम डाल दी, इसको मिक्स करें। इसमें अब बटर जाएगा, 2 टेबलस्पून बटर अनसॉल्टेड, 1 टेबलस्पून और 2 टेबल। साथ ही इसमें ग्लूकोज जाएगा, 3 टेबलस्पून ग्लूकोज आपको मिल जाता है इधर ये मिठाई की शॉप्स वगैरह पे। ये देखिए, ये मैं ग्लूकोज डाल रही हूँ। ग्लूकोज थोड़ा सा मुश्किल होता है डालना, क्योंकि इट्स रियली स्टिकी। 3 टेबलस्पून आपने ग्लूकोज के डालने। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे ग्लूकोज डाल के, फिर इसमें हमने आधा कप ब्राउन शुगर, हाफ कप ऑफ ब्राउन शुगर डालनी, जो हम एक बेकिंग में यूज करते हैं। साथ ही हम इसमें आधा कप ब्राउन शुगर डाल देंगे। ब्राउन शुगर जब भी मैयर करते हैं, हमेशा पैक्ड मैयर करते हैं। ये मैंने उसे क्रीम वाले में ही डाल दिया, वेस्ट ना। बस हाफ कप ब्राउन शुगर डाल के इसको आपने अच्छी तरह कुक करना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी स्टेप करना है। जब ये 2 से 3 मिनट कुक हो जाएगा, फिर इसको चूल्हे से उतार लेंगे और फिर 1.5 कप हमने पाउडर मिल्क डालना है। पाउडर मिल्क नीडो ले लीजिए, कुमेल का भी आता है वो ले लीजिए, मैं नीडो डालूंगी। एवरी डे नहीं डालना प्लीज़, वो पाउडर मिल्क नहीं है, वो टी वाइटनर है। थोड़ा सा इसको अब हम कुक करेंगे, अच्छी तरह कुक कर लें ताकि कोई लम्स वगैरह अगर बने हुए तो वो डिजॉल्व हो जाए। उससे थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो जाए तो बस फिर हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और मिल्क पाउडर हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ये मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। ये देखें जी, मैं मिल्क पाउडर इसमें डाल रही हूँ। 1.5 कप हमने मिल्क पाउडर का डालना है, नीडो। फिर इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको अपने ये सिल पैड पर डालेंगे, ये जो सिलिकॉन का मैट है, और उसमें ठंडा करेंगे। ये देखें जी, मैंने अपने मैट पर डाल दिया इसको। अब इसको हमने ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करें और ऐसे ऐसे रोल करें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए।
और फिर हम इसको रोल करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको आपको रोल करके दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये ठंडा हो गया था मिक्सचर, तो फिर इनको मैंने लिया हैंड से, अब मैं इनको मोल्ड करूँगी। तो आपने काटना है तो काट लें, मेरे पास ये छोटे छोटे हैं मफिन केसेस, मैं इनमें डालूँगी। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं, जो आपका दिल करता है आप करें। ये देखें, थोड़ा सा इसको ठंडा थोड़ा करना है ताकि आपको ईजीली हैंडल हो जाएगी आपसे। ये थोड़ा सा लें, बॉल बना लें, बॉल बना के और फिर ये आप जितनी आपको कैंडी चाहिए जो साइज बॉल बना के तो ये मफिन केसेस में डालते जाएं। ऊपर डेकोर कर लें, बादाम लगा दें या कोकोनट से कर लें रोल, जैसा आपका दिल करे। थोड़ा सा जब ये प्लाईबल हो जाए, मतलब कि जब आप इसको मोल्ड कर सकें, तब आप इसके साथ शेप्स बना लें। ये इजीली, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना अपने हाथ ग्रीस किए ना अपने मैट को ग्रीस किया, इसमें ऑलरेडी इतना बटर होता है कि ये आराम से मोल्ड हो रहा है। चलें जी, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फाइनल लुक मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।